रेल के महाप्रबंधक श्री ललित चंद्र द्विवेदी ने जोन के सभी मंडल रेल प्रबंधकों को पत्र लिखकर रेल आवासों की जर्जर हालत को गंभीरता पूर्वक सुधारने के लिए पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन महाप्रबंधक हाजीपुर के साथ होने वाली प्राय सभी स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकों में रेल आवासों की जर्जर हालत की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए स्थिति में सुधार करने की मांग कर रही है। बीच बीच में ईसीआरकेओ के सदस्यों ने मंडल स्तर पर होने वाली बैठकों में भी आवासों की बदतर होती स्थिति को सुधारने की आवाज उठाने का काम किया है। इतना ही नहीं, इस विषय पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर पूरे रेल कर्मियों को शामिल करते हुए धरना प्रदर्शन पर आक्रोश व्यक्त करने का भी काम किया है। और इंडिया रेलवे का सदस्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इंडिया रेलवे का सदस्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये यूरोप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस एजो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इंडिया रेलवे का सदस्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इंडिया रेलवे का सदस्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये यूरोप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस एजो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी आरकेओ के शीर्ष नेतृत्व द्वारा महाप्रबंधक को इस विषय पर गंभीर पहल करने के अनुरोध पर उन्होंने सभी रेल मंडल प्रबंधक को उक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा रेलों के निजीकरण और निगमीकरण के निर्णय के विरोध में काला दिवस मनाने के दूसरे दिन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी धनबाद शाखा के संयुक्त सचिव एनके खवास ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में रेल आवासों की स्थिति में आवश्यक और अपेक्षित सुधार होगी। मौके पर केंद्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद जियाउद्दीन, AIRF के जोनल सचिव OP शर्मा, केंद्रीय उपाध्यक्ष VD सिंह, TK साहू, NJ सुभाष, शिवा प्रसाद, AK दा, NK खवास, BM सिंह, विश्वजीत मुखर्जी, मनोज कुमार तिवारी, तपन विश्वास, राजेश राउत, प्रशंतो बैनर्जी, RN शर्मा, किंग विकास, इंद्रजीत प्रजापति, परशुराम सिंह, M मंजेश्वर राव, संदीप प्रजापति, रीतलाल गोप, पिंटू नंदन तथा अशोक कुमार उपस्थित थे।